तो कॉस्ट ऑफ यूनिट डिक्रीज कैसे होता है और मार्केट के अंदर जब सब्सटेंशियल रिटर्न आ रहे होते हैं तो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से और किस डायमेंशन पे जाता है ये याद रखने की जरूरत है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोनॉमीज ऑफ स्कोप ये दोनों को मिलाकर के आप अंडरस्टैंडिंग में लेकर आए कि आपकी जब इन्वेस्टमेंट हाई हो जाती है तो पर यूनिट कॉस्ट क्यों कम हो जाती है और जब पर यूनिट कॉस्ट आपकी होती है तो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाती है तो मार्केट साइज के अंदर जो एंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट का मामला है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाए तो स्कोप को समझने की कोशिश करिए कि बिजनेस जो जो है 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 वो वो रिटर्न्स और रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या की तरफ जब जाता है, तो इसके अंदर जो है वो आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट पूल्स और कहां पर कहां पर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट पोलन होती है। तो जहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा पोलन होती है वहां कि की आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है या कम हो जाती है इस डिटर्मिनेटल फैक्टर को हम इसके अंदर की तरफ देखते हैं तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसके इंक्रीमेंटल इफेक्ट्स के अंदर और इसके डिस इंक्रीमेंटल इफेक्ट्स के अंदर तो वो ये है कि हमने मैक्सिमम रिटर्न्स की तरफ जब देखते हैं तो उसके अंदर आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वामेंट और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की मार्जिनल इकोनॉमीज की तरफ हम देखते हैं जब ये देख लेते हैं तो इसके ऊपर हम हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ऑफ स्कोप की तरफ बढ़ता चला जाता है आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसके किस तरह डेवलप होते हैं यहां मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा एक है इन्वेस्टमेंट एक है आपका स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट एक है आपका प्रोडक्ट और एक है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करें इसका आपस के अंदर लिंक डेवलप करने की कोशिश करें इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर भी अगर आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विद इन ऑर्गेनाइजेशन और इंटर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है अच्छा अब इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके डिवाइड बेस आपके सप्लायर ऑफ द सप्लायर्स भी आ सकते हैं और आपका पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है तो जितना पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप एक जगह करते हैं तो उसके पर यूनिट कॉस्ट पे क्या फर्क आएंगे इसके रिटर्न्स को देखना और अगर हमने डिवाइड्स uh, के अंदर मार्केट को सेगमेटाइज करके आपने देखना है तो आपके पर यूनिट कॉस्ट तो कम आएगी लेकिन आपकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा सो तो इस तरह की इनोवेशन जब आप देखते हैं तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब आपने देखा कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन जो है मुसलसल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है जहां पर अब तक सिर्फ बात ये होती थी कि रिस्क लेना चाहिए रिस्क रिस्क कितना बेयर किया जा सकता है Uh, क्या uh, आतिश नमरूद में कूद जाने का नाम जो है अंटरप्रन्यशिप है या इसको किसी और तरीके से देखते हैं या जस्ट आपने आपके जहन में बात आई जस्ट लगाई और आपने डाइव इन कर दिया ऐसे नहीं होता यानी ये सिर्फ एक शेर का मजदाक नहीं है कि अली अंदर गुबार नाक का गुम दस्तरूमी परदा महमेल गिरफ्त इसमें वो ये था कि बुअली कदर जो थे अली कलंदर और थे अली और थे वो एक फलसफी थे उन्होंने समंदर का सारा इल्म ले लिया और सारे इल्म लेने के बाद उन्होंने कहा कि समंदर ऐसा होता है डेंस इतना होता है इसके अंदर ये ये खजाइन है और ये ये मामला है एटमोस्ट और अल्टीमेटली उन्होंने पूरे ही समंदर का सारे मामला को समझ दिया लेकिन वो सतह पर रहे वो गहराई में जाकर मोती नहीं उठा सके तो दूसरे में शेर में जब ये कहा गया कि वो दस्त रूमी परदा महमलगरफ यानी आपने डाइव किया आपने सिप भी निकाल कर ले आए यानी एक ये है कि आपने एक सिस्टम बनाया प्लान किया एग्जीक्यूट किया इनिशिएट लिया और आपने उसका रिटर्न निकाल कर ले आए दिस इज हाउ वी प्लान द इनिशिएशन फ्रॉम द आउटपुट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अंडर द इंक्रीजिंग रिटर्न सो रिटर्न और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नाउ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी बिगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल आइडिया थैंक यू